चलिए आगे बढ़ते हैं जबलपुर से खबर, जहां पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमानत राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की शरण में जाकर जमानत याचिका लगाई थी राजा पटेरिया ने। तो बता दें कि राजा पटेरिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। एक बड़ा झटका हाईकोर्ट ने राजा पटेरिया को दिया। तो हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस बात की परवाह किए बगैर अंजाम क्या होगा, ऐसे बयानों से राजनीति में आपराधिक सोच पनप रही है, राजनेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, पीएम या राष्ट्रपति के लिए ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। बता दें कि राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या से जुड़ा एक बड़ा बयान दिया था और इसके चलते उनको हिरासत में लिया गया और फिर उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई कि उन्हें जमानत दे दी जाए। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए यह फैसला सुनाया कि राजनेताओं को बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि वे क्या बोल रहे हैं और आपत्तिजनक या आपराधिक बयान देने से बचना चाहिए, पीएम या राष्ट्रपति के लिए ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमित लाइव जुड़ गए हैं जबलपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि ऐसे बयानों को माफ नहीं किया जाएगा, पीएम या राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसे बयान नहीं देने चाहिए राजनेताओं को। बेशक जो हाईकोर्ट ने एक तलख टिप्पणी की है, खासतौर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर कहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश के वो नागरिक हैं जिनको लाखों करोड़ों जनता का इन नेताओं पर भरोसा है और उसके बाद इस तरह के बयान देना अपने आप में एक अशोभनीय है। साथ में कहीं ना कहीं ये सुरक्षा को लेकर के राजनीतिकरण में अपराधीकरण शामिल ना हो, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इस पर भी चिंता जताई है, इसको भी लेकर चिंता जताई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जो जमानत याचिका लगी थी राजा पटेरिया की वो खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 11 दिसंबर के एक आयोजन में राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसका खासा बवाल मचा रहा। 13 दिसंबर को जो है राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया गया, ग्वालियर स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा रहा। उसके बाद राजा पटेरिया हाईकोर्ट की शरण में आए। हाईकोर्ट की शरण में आने के बाद जो है उनका कल हाईकोर्ट ने फैसले तो कर दिया था, फैसला सुरक्षित भी रख लिया था, लेकिन आज हाईकोर्ट ने जैसे ये फैसला रिलीज किया तो इसको बोल सकते हैं कि राजा पटेरिया के लिए बड़ा झटका है जब हाईकोर्ट ने इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल अमित, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, राजा पटेरिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने, साथ ही साथ अपने फैसले के पीछे कारण क्या है ये भी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया।